वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, अच्छी तंदुरुस्ती। गुड हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और वो हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो खाने में हम जो चीज़ें लेते हैं, चीज़ों के नाम तो अलग रहते हैं, चीज़ों के नाम रहते हैं कि रोटी है, कि चावल है, कि दाल है, कि सब्जी है, कि गोश्त है, कि अंडा है, कि दूध है, लेकिन जो साइंस में इन चीज़ों का, इन न्यूट्रिएंट्स का नाम है, वो कॉमन नेम, जैसे रोटी, चावल, ब्रेड, ये सब मिलकर जो एक कॉमन नेम हमारे साइंस में है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। एनर्जी यानी जिस्म में ताकत आना, यानी जिस्म के जो मुख्तलिफ काम हैं, जो उसके वाइटल फंक्शंस हैं, इंटरनल फंक्शंस हैं, दिल धड़कता रहे, मसल्स काम करती रहें, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता रहे, डाइजेशन करता रहे, नर्वस सिस्टम अपना काम करता रहे, ये सारी चीज़ें जब ही काम करेंगी, या ये सारे हम चलें, फिरें, खेलें, कूदें, पढ़ें, सोचें, सोएं, ये सारी चीज़ें जब ही पूरी होंगी जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। और ये एनर्जी हमको देने वाला जो न्यूट्रिएंट है हमारे खाने में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये हमने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में तब्दील होते हैं, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में, वो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं उसको। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का जो काम है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज वो चीज़ है जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम लेंगे उन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के डाइजेशन या ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमको हासिल होगी एनर्जी। तो दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोटीन्स। हमने बताया था आपको, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि बॉडी में हम देखें, अगर गौर करें तो सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें प्रोटीन्स की शक्ल में हैं। कोई भी ले लें, मसल्स उठा लें, प्रोटीन्स हैं, ब्लड उठा लें, प्रोटीन्स हैं, नर्व्स उठा लें, प्रोटीन्स हैं, सारी चीज़ें प्रोटीन्स। तो इनमें इनकी बढ़ोतरी हो, इनमें ग्रोथ हो, इनमें डेवलपमेंट हो, इसके लिए वी नीड कॉन्स्टेंटली प्रोटीन्स इन आवर डाइट। तो हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन की शक्ल में हम लेते हैं, वो मोटे तौर पे तो ये कह दें हम कि गोश्त है, डिफरेंट टाइप के फिश शामिल है उसमें। प्रोटीन के लिए हम एग्स भी लेते हैं, प्रोटीन के लिए हम मिल्क भी लेते हैं, और प्रोटीन्स के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा जितनी दालें हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो दालें जो है वो भी प्रोटीन देती हैं, गोश्त प्रोटीन देती है, और सब। तो बॉडी जो है इन प्रोटीन्स को जो हम लेते हैं न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, इनको एज सच यूज़ नहीं करती, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन इज द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्रिक्स की तरह हैं, हमारी बॉडी उनको यूज़ करती है एज ब्रिक्स, और अपनी मर्जी के मकान बनाती है, मतलब अपनी मर्जी की प्रोटीन बनाती है, जहाँ उसको जिस तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो उसके अलावा
कल जो रह गया था वो पिछले लेक्चर में जो रह गया था वो थोड़ी सी बात रह गई थी अधूरी, विटामिन्स और मिनरल्स की। ये हमें फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये सब मिल जाते हैं, विटामिन्स ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मुख्तलिफ विटामिन्स बॉडी में हमारे, हमको डिजीज प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं ये, हमको बीमारियों से बचाते हैं। और दूसरा काम इनका ये है कि जो फूड, जो न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में एज ए फूड पहुंचाते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए बॉडी में, उसमें बड़ा रोल रहता है इनका, विटामिन्स का। और विटामिन्स हमको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा के रखते हैं, और इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। आगे जब और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां कौन कौन से विटामिन्स के ना रहने से होती हैं। उसके बाद इसमें है मिनरल्स, मिनरल्स भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ये भी हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले और बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करने वाले होते हैं। आयोडीन है, आयरन है, और आपका कैल्शियम है। इसमें से आयरन और कैल्शियम तो बहुत आपको सुनने में आता होगा कि अगर हड्डियां और बोन्स हमारी बॉडी में और हमारे दांत अगर हेल्दी रखना है तो हमें अपने न्यूट्रिशन में, अपने खाने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी मिनरल्स की। कैल्शियम हो तो दांत और बोन्स अच्छे मजबूत रहेंगे। आयरन इसलिए ज़रूरी है कि आयरन जो है वो हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो, लोग कहते हैं ना कि भाई इनमें खून की कमी है, तो खून की कमी में पता चला बाद में कि आयरन की कमी है। तो लोग जब देखते हैं कि खून की कमी है तो एक टेस्ट करवाते हैं, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी आरबीसी हमारे ब्लड में है, वो है हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन एक ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है ब्लड की, तो ये एक कंपाउंड है और इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे लंग्स में पहुंचने वाली हवा, एयर में मौजूद ऑक्सीजन को पकड़ना। कौन पकड़ेगा नहीं तो, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है तो ये ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और एक लूज कंपाउंड बना लेते हैं, उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये ब्लड इसको लेकर सेल्स के करीब पहुंचता है, क्योंकि सेल्स इंतजार में बैठी रहती हैं कि उनको ऑक्सीजन मिले, और ग्लूकोज उनके पास आ चुका है, अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ ब्लड सेल्स के पास पहुंचता है तो सेल्स के पास पहुंचकर ये कंसंट्रेशन के हिसाब से, अब ये सेल्स के बाहर ब्लड कैपिलरीज में ताज़ा ताज़ा बहुत सारी ऑक्सीजन आई है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में, यानी लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन ब्लड कैपिलरीज एज कम्पेयर टू दी सेल्स इन विच दिस ऑक्सीजन इज टू बी गिवन अप। तो फिर ये टूट जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, और ऑक्सीजन जो है वो सेल में पेनिट्रेट करती है। हमने आपको बताया कि एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और दैट मेम्ब्रेन व्हेन द ऑक्सीजन इज देयर आउटसाइड ऑफ द सेल इट विल परमिट द ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द सेल। तो सेल में ये ऑक्सीजन घुस जाती है, बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है, अंदर इस्तेमाल हो चुकी है, कम है तो ये ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ जाती है। अंदर जब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अभी यहाँ पर ताज़ा ताज़ा बाहर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेकर ब्लड पहुँचा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्वांटिटी कम होगी,
और सेल के अंदर चूंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो चुका है, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ फ्लो शुरू होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब सेल से निकलकर ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी, और ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन पहले से मौजूद है, वो इसको पकड़ेगा, वो ऑक्सीजन को लंग से पकड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से पकड़ता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर ब्लड तो फ्लो करता ही रहता है। एंड अल्टीमेटली दिस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन विद द ब्लड स्ट्रीम रीचेस द लंग्स। अब वहां पर क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो ये फिर ब्लड से निकलकर एयर सेल्स में, यानी लंग्स के एयर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है और वहां से बाहर निकाली जाती है। तो आयरन का बड़ा इस्तेमाल हुआ, उसी हिसाब से कैल्शियम का इस्तेमाल है, हमने आपको बताया बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, और आयोडीन भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है, आयोडीन का भी बहुत इस्तेमाल है बॉडी में। तो इस तरह से हमारे न्यूट्रिएंट पूरे होते हैं। रफ एज के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, एक बार और बात कर लेंगे। क्लीनिंग के लिए ये फाइबर्स हैं, ये बहुत सारे फ्रूट्स में हैं, हमारे फूड के साथ ये हमारी बॉडी में पहुँचते हैं, बट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज फाइबर्स। सो दीज फाइबर्स ट्रेवल थ्रू द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन एंड दे लीव द बॉडी एज सच विदाउट एनी डाइजेशन, बट वेन दे आर ट्रेवलिंग थ्रू द इंटेस्टाइन दे क्लीन अप द एटमोसफियर ऑफ द इंटेस्टाइन, सो दे आर जस्ट लाइक स्क्रबर ऑफ द फूड, और इस तरह से ये बाहर निकलेगा।